राम बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा जिन मेरे प्यारे जातक जाति का जिनका नाम का जो पहला वर्ड है अल्फाबेट जो टी है जिसका नाम अच्छा टी से प्रारंभ होता है 2023 किस प्रकार व्यतीत तो होगा आपके लिए आइए इस पर चर्चा करते हैं तो 2023 में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिख रहे हैं बड़े बदलाव किस प्रकार के हैं जो लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं आप दोबारा से अपने एजुकेशन को प्रारंभ करेंगे दो में दोबारा अपने एजुकेशन को प्राप्त करेंगे बड़ी डिग्रियों को हासिल करेंगे जिन पेपरों में आप फेल हो रहे हैं बहुत दिन से पेपर दे रहे हैं वो पेपर दो में आपके निकल जाएंगे इवन सरकारी नौकरी प्राप्त हो दो में इस प्रकार का संयोग आपका नजर आता है आपको 2023 में कुछ बड़ी कंपनी से नौकरी के ऑफर मिलेंगे आप, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे यानी 2022 की अपेक्षा 2023 में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सुधार मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे हाँ पारिवारिक चीजों को लेकर के अप्रैल में मई में दो महीने में पारिवारिक रिलेशन को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे पारिवारिक कंडीशन बड़ी तनावपूर्ण रहेगी लेकिन उसी के साथ जून में संतान को लेकर के एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा मैं उम्मीद करता हूं इस वर्ष के अंत तक आपके घर में एक नन्हे से मेहमान का आगमन निश्चित रूप से होने वाला है जो संयोग आपके लिए अच्छा नजर ले होता हुआ दिख रहा है अच्छा आप लोग व्यापार खत्म करके नौकरी की तरफ बढ़ेंगे व्यापार में बहुत सारा तनाव देखने को मिलेगा और आप अपनी नौकरी की तरफ आगे बढ़ें इस प्रकार का संयोग दिख रहा है जिन बच्चों ने आर्मी में जाने का प्रयास किया है या जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए भी इस वर्ष में एक अच्छा संयोग नजर आता है सरकारी नौकरी प्राप्त हो ऐसा योग है अब देखिए कितनी सारी चीजें आपको बताऊं आप भी जानते हैं कि बहुत लंबे वीडियो को तैयार करना ठीक नहीं होता है लोग देख नहीं पाते हैं आपके बारे में डिटेल में बताने के लिए मैं रात को नौ बजे और दोपहर को बारह बजे लाइव आता हूँ आप मेरे साथ लाइव में कनेक्ट हो सकते हैं जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं आपके लिए पूरे वर्ष का सटीक उपाय होगा कोशिश करें प्रत्येक रविवार को 108 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें इससे आप सोच लीजिए मन प्रसन्न रहेगा काम अच्छे बनेंगे और सफलता भी आपको अच्छी मिलेगी चलिए अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं जय श्री राम बहुत धन्यवाद